दिस इज़ चंद्रशेखर लोधी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइज मैं फिर से वापस आ गया हूँ एक और नया व्लॉग लेके। गाइज आप लोग सोच रहे होंगे कि एक महीने से ज़्यादा ही हो गया है मेरा कोई भी व्लॉग वीडियो कुछ नहीं आया। मेरी गणेश जी के बाद नवरात्रि में तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके बाद फिर मैंने कोई भी व्लॉग वीडियो कुछ शूट नहीं किया था। अब से रेगुलर व्लॉग्स आएंगे गाइज। और एक और बात गाइज, क्योंकि हमारे चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और सिर्फ आपके सपोर्ट के वजह से ही हो पाया है, आपके प्यार के वजह से, तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30 और मैं था छत पे, तो मैंने सोचा थोड़ा बहुत मेडिटेशन वगैरह कर लेते ताकि हेल्थ भी फिट रहे। आज हो गई है धनतेरस, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस। और आज मैं आपको बता दूं कि आज मैं एक ऐसी जगह जाने वाला हूँ, एक लड़का है वो एक लड़के को सपना देके माताजी निकली हैं, धरती से माताजी निकली हैं। लड़के को सपना हुआ था कि मैं इस जगह पे हूँ, तो वहाँ से निकाल लिया गया। और जो भी वहाँ पे जा रहा है तो सभी की मनोकामना पूरी हो रही है, ऐसा मैंने सुना है। मैं भी गया था एक दो बार, बट मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो आज मैंने सोचा कि आप लोग को भी दिखाऊं। आज डे हो गया सैटरडे, जो भी लोग मनोकामना लेके जाते तो वहां पे सभी की मनोकामना पूरी होती है। पिछली बार गया था तो एक को पैरालिसिस था, बट ठीक हो गया है, वो भी अभी चल के आए हैं, तो अच्छा लग रहा है। और मैं भी माता जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि कहाँ से माता जी निकली थी। तो बस बने रहिए व्लॉग में एंड तक, और चैनल पे आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको गाइज ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आप लाइक नहीं। अभी हम चलते हैं पापा जी के साथ और आपको जरूर माता रानी के दर्शन करवाऊंगा। तो यहाँ से अराउंड 40 किलोमीटर पे है, उस गाँव का नाम है सगरी, तो वहीं पर चलेंगे और दर्शन करते हैं माता जी के। गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं बरमान घाट, और यहाँ पे देख सकते हैं गाइस ये है नर्मदा जी। यहाँ पे जब ये पानी आ गया था तो ऊपर तक वहाँ तक आ गया था, वहाँ पे ये पूरा डूब गया था। ये पत्थर देख रहे हैं आप लोग, ये सब डूब गया था। यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे हैं अभी। ये वाला पुल गाइस ये पुराना है और वहाँ पे वो नया पुल है। तो यहाँ पे 3 ब्रिज बन चुके हैं, एक ये हो गया और एक वो, और वहाँ पे भी बना है जहाँ पे मेला लगता है, तो वो अभी 2-3 साल पहले ही बना है वहाँ। तो बस गाइस अभी चलते हैं अपन सगरी और मैं माता जी के आपको दर्शन करवाऊंगा। तो बस चलते हैं, थोड़ी देर का सफ़र और है। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सगरी और ये है भैया का घर, यहीं से माता जी निकली हैं। ये मन्नत वाली महाकाली का दरबार है यहाँ पे। गाइस यहाँ पे सभी लोग, आसपास के लोग सभी आते हैं माता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पे देखिए गाइस बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और सभी यहाँ पे मनोकामनाएं लेके आए हुए हैं। गाइस दर्शन कीजिए माता रानी के, और यहाँ पे सभी की भीड़ रखी है। ये माता जी हैं जो धरती से प्रकट हुई थी, तो यहीं पे स्थापित कर दिया गया है। और ये भैया आप देख रहे हैं, इन्हीं को माता रानी का सपना आया, फिर माता रानी को निकाल लिया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर माता जी विराजमान, यहाँ पर सभी की भीड़ रखी हुई है। और ये भभूति देते हैं सभी को जो लोग आते हैं यहाँ पे, और 5 शनिवार आना पड़ता है यहाँ पे, तो 5 शनिवार आते हैं, फिर उसके बाद जो भी दुख दर्द तकलीफ़ रहती है सब ठीक हो जाता है यहाँ पे माता रानी की कृपा से। आसपास के सभी लोग आते हैं यहाँ पे, तो आप लोग भी आ सकते हैं। सगरी में है, नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है यहाँ पर, और मैं भी आया हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। ये देखिए, और मैं आपको जगह भी बताऊंगा जहाँ से माता जी निकली हैं। ये देखिए गाइस यहाँ से माता जी निकली थी, तो भैया ने अभी बताया। और अभी बहुत से लोग आएंगे आज, क्योंकि सैटरडे को अर्जी लगती है। जय माता की, जय माता तो गाइस ये थी माता रानी के दर्शन। तो ये मन्नत वाली माता जी हैं, तो अगर आपको भी आना है तो आप सगरी में आ सकते हैं यहाँ पे। और जो जो भी यहाँ पे आ रहे हैं सबकी मनोकामनाएं पूरी हो रही, तो आई होप आप भी आए यहाँ पे। सगरी में है
नरसिंहपुर से लगभग 40 किलोमीटर है अराउंड, तो आप भी आ सकते हैं और माता के दर्शन कीजिए। तो 5 शनिवार आना पड़ता है, यहाँ पे अर्जी लगती है, तो मैं भी आ रहा हूँ अभी, लगभग तीसरा सैटरडे मेरा, तो आप भी आइए और माता के दर्शन कीजिए। तो बस गाइस यही था एक छोटा सा ब्लॉग, तो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।